सुमन रेसिपी एंड क्रिएटिविटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया लेके आई हूँ, ऑर्गेनाइजर, जो बहुत ही यूजफुल है। ये वेस्ट मटेरियल से बना है और बहुत ही अच्छा है। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक वॉल स्टिकर रोल ले लेती हूँ, जो मेरे घर में बहुत दिन से पड़ा था। तो चलो इसका कुछ यूजफुल बना लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजर जो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। इसके लिए मैंने रोल को बराबर 4 भागों में बांट दिया। जहाँ से इसे काटना है वहाँ से मैं पेन से निशान लगा लेती हूँ। अब इसे कट कर लेते हैं। मैंने चाकू से कट करने की कोशिश की लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कटा, तो मैंने आरी ब्लेड की हेल्प से कट कर लेती हूँ। इससे इजीली कट जाता है। इसी प्रकार हम इसे 4 भाग में कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 क्राफ्ट पेपर लेती हूँ। इसे एक साथ फोल्ड करना है। 2 क्राफ्ट पेपर को एक साथ रख लेना है और इसे बराबर भाग में फोल्ड कर लेना है। इसे 4 बन जाएगा। ऐसे फोल्ड करके इसे कट कर लेंगे। जो चारों में पर्याप्त हो जाएगा। ऐसा करने से हमारा वॉलपेपर एक ही बार में कट जाता है और हमारा समय भी बच जाता है। अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 भाग में हो गया। अब हम इसे रोल में इसे पेस्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, हल्का हल्का लगा कर फिर इसे चिपका लेते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा सुंदर बन के तैयार होता है। बहुत यूजफुल भी है, आप कोई भी सामान इसमें रख सकते हैं। इसी प्रकार इसे टाइटली लपेटते जाएंगे और यहाँ थोड़ा सा और फेविकोल लगा लेते हैं और इसे अच्छे से चिपका लेते हैं। अब यहाँ पर वॉलपेपर के ऊपर थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगाएंगे, जिससे बहुत अच्छे से ये चिपक जाएगा। और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा पेपर, उसे कट कर लेंगे। इससे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। ये बहुत इजीली चिपक जाता है। ये एक्स्ट्रा है, उसे कट कर लेती हूँ। इसे थोड़ा सा प्रेस करने से चिपक जाएगा। अब इसके बाद जो ऊपर का क्राफ्ट पेपर एक्स्ट्रा बच गया है, उसे भी मैं कट कर लेती हूँ। अब हमें करना क्या है, जो ऊपर का पोर्शन बच गया है उसे पूरे राउंड में गेप गेप करके कट करते जाना है। ऐसे ही इसे ये आराम से अंदर में फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर के वॉलपेपर में हम फेविकोल लगा देते हैं। अब इसे अंदर के भाग में अच्छे से टाइटली फोल्ड कर देना है। ये बहुत आराम से चिपक जाएगा अंदर में। देखिए,
इसी प्रकार हम सभी में वॉलपेपर लगा लेते हैं। चारों रोल में मैं लगा के तैयार कर ली हूँ। अब इसका बेस तैयार करने के लिए हम कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बच्चों का सो जाता है वही वाला कार्डबोर्ड ले लिया और इसे राउंड में कट कर लेते हैं। जहाँ पेन का निशान लगा है वहाँ पर नहीं काटना, उसके एक्स्ट्रा भाग से ही काटना है, निशान को नहीं काटना है, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा। आप पहले इसे माप लें उसके बाद ही कट कर लें। देखिए फुटवियर का है, जो बच्चों का सो जाता है वही कार्डबोर्ड पड़ा था घर में, तो मैंने इसका यूज कर लिया। ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब ये देखने में अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें फेविकोल लगा देंगे पूरे में और इसमें एक क्राफ्ट पेपर चिपका लेते हैं। आप चाहे तो जो कटिंग बचा है उसको भी चिपका सकते हैं, इसे कट करके इसमें चिपका लेते हैं, इससे इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अब हमें करना क्या है, इसे और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए कलर टेप चिपका देते हैं। आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं। मेरे पास कलर टेप रखा था तो मैंने इसी का यूज किया है, इससे बहुत सुंदर लगेगा। इसी प्रकार हम सभी में लगा देंगे, इसका लुक बढ़ जाएगा। अब हम नीचे के पोर्शन में भी एक गोल्डन कलर का टेप चिपका लेते हैं। आप इसमें मोतियाँ, स्टोन जो आपके पास अवेलेबल हो वही लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सरल तरीके से बनके तैयार हो जाता है, एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। वैसे भी अभी दिवाली में सबके घर वेस्ट मटेरियल निकलेगा। यहाँ पर हम रोल के नीचे राउंड राउंड में फेविकोल लगा लेते हैं और इसे बेस में चिपका देते हैं। इसे हल्का सा प्रेस करने से आराम से चिपक जाता है। इसी प्रकार चारों को हम चिपका लेते हैं। मैंने बारी बारी से सभी रोल्स को फेविकोल लगाकर चिपका लिया। देखिए और इसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसके बेस में लेस कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने कलर टेप ही लगाया, इसमें ग्रीन कलर लगा ली हूँ जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पर मैं रोल में स्टोन लगा लेती हूँ। ये वही स्टोन है जो राखी में लगा रहता है, पुराना राखी था मेरे पास, उसी को मैंने निकाल कर यहाँ पर चिपका लिया। इससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब यहाँ पर मेरा ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी है, मैं इसमें सामान रख लेती हूँ। आप कुछ कोई भी सामान रख लेते हैं, मैं कॉस्मेटिक का सामान रखी हूँ, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, बच्चों का लोशन, कंघी भी रख सकते हैं, जो सामान आप रखना चाहते हैं वो रख ले सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।